बरसाया कि ब्लॉक प्रमुख रीना यादव को विजयी बनाने के लिए पूर्व मंत्री सहित समर्थक व कार्यकर्ताओं ने लड़ा दी जान। आपको बता दें कि क्षेत्र पंचायत कसाया अध्यक्ष पद पर समाजवादी पार्टी की रीना यादव ने भाजपा के अंजू जायसवाल को 7 मतों से पराजित कर ब्लॉक प्रमुख बनी। शनिवार को कसाया ब्लॉक में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ब्लॉक प्रमुख चुनाव में पड़े मतों की गिनती मतगणना अधिकारियों ने कुल पड़े 39 मतों की गिनती के पश्चात सहायक निर्वाचन अधिकारी बीआर मौर्य ने रीना यादव को विजय घोषित किया। रीना यादव 23 मत व अंजू जायसवाल को 16 मत मिले। सपा खेमे में खुशी दौड़ गई है और एक दूसरे को जीत की बधाई दी। पूर्व मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, सपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर प्रियेश त्रिपाठी, अभिषेक उर्फ राजन कुमार त्रिपाठी, राजेश पांडे, प्रभाकर जायसवाल, अलाउद्दीन अंसारी आदि ने प्रमुख रीना यादव को बधाई दी। इस दौरान एडीओ पंचायत प्रभारी सुभाष प्रसाद, ब्लॉक कर्मी कमल प्रसाद, संजय सिंह आदि ब्लॉक कर्मी मौजूद रहे। बहुत योगदान रहा जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया है। हम कोशिश करेंगे कि कहीं भी मेरे क्षेत्र पंचायत को मेरे मतलब से चाहे माननीय मंत्री की तरफ से किसी की तरफ से भी कोई किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो, किसी तरह परेशानियाँ न देनी पड़े, उनके लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। जीतिया जी बहुत कठिनाई से जीता जी, जी। हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य अगर मेरा साथ पूरे प्रदेश में लोकतंत्र को खत्म करने के लिए पूरी सरकारें लगी थी, जहाँ के जिलाधिकारी और एसपी लगे हुए थे और वहाँ उम्मीद करिए ये लोकतंत्र की हिफाजत सिर्फ जनता ही कर सकती है। अब ये जन इन लोगों लोकतंत्र से विश्वास भारतीय जनता पार्टी को उठ गया है और गुंडा राज करते थे हमारी समाजवादी सरकार में और उसकी हजार गुना गुंडाई इस सरकार में।